हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन साफ क्लासेस। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्लास 10th। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, प्रूव करना है कि 5 - √3 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे अपन कि लेट 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर। इसको इरेशनल नंबर लेके आना था, लेकिन अपन इसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं और इरेशनल नंबर इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये रेशनल नंबर इसको माना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड, अपने को दो नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट टू इंटीजर या टू नंबर इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी फाइंड आउट करने हैं। सच देट, किस प्रकार से, सच देट, इस प्रकार से फाइंड आउट करने हैं कि इसको अपन ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकें, यानी कि 5 - √3 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब यहाँ से -√3 इक्वल टू ए अपॉन बी, इस 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये भी ये पॉजिटिव वैल्यू है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव में माइनस का 5 बन जाएगा। माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो √3 इक्वल टू, माइनस को जैसे इधर शिफ्ट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू को तो पॉजिटिव बना देगा और पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव बना देगा। इस तरीके से कंप्लीट है आता। ठीक है, अब √3 इक्वल टू इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना मिलेगा, यहाँ से अपने को बी मिलेगा, यहाँ बी नहीं है तो इसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5b - a। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे, देखो जो a माना था और b जो अपन ने माना है, वो अगर a अपॉन b की फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब कि अगर इसको अपन ने रेशनल नंबर माना था, ठीक है, तो इसको a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a और b क्या थे अपने पास, इंटीजर्स थे, सिंस a b एंड 5, ये a हैं, b हैं और ये जो 5 है, ये सब क्या अपने पास इंटीजर्स नंबर है, ऑल आर इंटीजर्स, ये सब इंटीजर है। देयरफॉर ये टोटल, अगर ये इंटीजर है अलग अलग तो सारे मिला के क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। देयरफॉर 5b - a/b इज अ रेशनल नंबर, ये अपने पास रेशनल नंबर होगा। बट यहाँ पर जो √3 आ रहा है वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड रेशनल है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होनी चाहिए, बट ये इसका क्या कह रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि इसका विरोध कर रहा है। तो देयरफॉर √3 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि जो √3 अपने पास वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर, जो √3 है वो क्या एक इरेशनल नंबर है। सो लास्ट में लिख देंगे आवर हाइपोथेसिस, यानी कि जो अपन ने माना था, अपनी जो मानना है वो क्या है, गलत है, हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। और लास्ट में लिख देंगे हैंस 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर, जो 5 - √3 है वो क्या अपने पास एक इरेशनल नंबर है, ये अपने को प्रूव करना था। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। इसमें से फर्स्ट है अपने पास 1/√2, तो इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इसको उल्टा मान लेते हैं, मतलब कि 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। देयरफॉर वी फाइंड टू इंटीजर ए एंड बी सच दैट 1/√2 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ से, तो 1/√2 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा और राइट हैंड साइड में मिलेगा अपने को 1/b². सॉल्व करेंगे इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 1/2 और राइट हैंड साइड में मिलेगा a² / b². b² की वैल्यू निकालेंगे जो कि अपने को मिलेगी 2a²,
सो बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, यानी कि जो बी स्क्वायर वो किससे डिविजिबल है, टू से डिविजिबल है, क्योंकि वो बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए। देयरफॉर सो बी इज डिवाइड बाई टू। नाउ लेट बी इक्वल टू टू सी, यानी कि बी को अपन ने टू सी के इक्वल मान लिया, जहाँ पे सी अपने पास एक इंटीजर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो अपने को मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी का स्क्वायर, जो कि फोर सी स्क्वायर बन जाएगा। अब बी स्क्वायर किसके इक्वल था, टू ए के स्क्वायर के, तो वहाँ से टू ए स्क्वायर लिख देंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू फोर सी स्क्वायर, टू से सॉरी फोर से टू कैंसिल आउट होगा टू टाइम, तो ए स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर, हैंस ए स्क्वायर डिवाइड बाई डिवाइड्स बाई टू, देयर फोर ए ऑल्सो डिवाइड्स बाई टू, हैंस टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी कि जो टू है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो टू है वो उसमें क्या है, कॉमन है, बट अपन ने क्या माना था कि सिर्फ वन ही है जो कि उसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन एराइज बाई यू एज्यूमिंग दैट वन अपॉन रूट टू इज अ रेशनल नंबर, यानी कि ये वन अपॉन रूट टू के रेशनल नंबर होने का क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हैंस वन अपॉन रूट टू इज अ रेशनल नंबर, यानी कि वन अपॉन रूट टू क्या एक रेशनल नंबर है, ये अपने को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट इसका, सिक्स प्लस रूट टू को अपने को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि सिक्स प्लस रूट टू इज अ रेशनल नंबर, तो अपने इसको ए अपॉन बी की फॉर्म लिख सकते हैं, रूट टू क्यों निकालेंगे तो ए अपॉन बी माइनस सिक्स हो जाएगा, यानी कि रूट टू इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे इधर राइट हैंड साइड का, तो ए माइनस सिक्स बी अपॉन बी मिलेगा। ए बी और सिक्स के इंटीजर से, तो राइट हैंड साइड पे जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है ए माइनस सिक्स बी अपॉन बी, वो क्या होगी, पूरी रेशनल नंबर होगी, देयरफॉर रूट टू भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो इसके इक्वल आ रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर, बट यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है कि रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी कि उसकी कंप्लीट वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते, पॉइंट में आंसर आएगा। देयरफॉर आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, यानी कि जो सिक्स प्लस रूट टू है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये अपने को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सिमिलरली लास्ट पार्ट है इसका, थ्री रूट टू, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट थ्री रूट टू इज़ अ रेशनल नंबर, तो अपन इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, थ्री रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी, रूट टू क्यों निकालेंगे तो थ्री मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो गया, यानी कि ए अपॉन थ्री बी, ए बी और थ्री क्या है अपने पास, इंटीजर है, यानी कि ए अपॉन थ्री बी जो है पूरा कंप्लीट एक रेशनल नंबर है, तो रूट टू भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो इसके इक्वल लिखा हुआ है। बट यहाँ से थ्री रूट टू विल बी अल्सो रेशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, यानी जो अपन ने माना था क्या गलत है, सो थ्री रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर, और ये अपने को क्या करना था, प्रूव, हैंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव प्राइम नंबर देन प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले मान लेंगे कि लेट रूट पी प्लस रूट क्यू इज रेशनल नंबर, क्योंकि अपने को इरेशनल नंबर लेके आना है तो इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं, देयर फोर रूट पी प्लस रूट क्यू, अगर ये रेशनल नंबर इसको माना है तो अपन इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे बी की वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कि डिवाइड में जो वैल्यू आ रही है वो जीरो नहीं है। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, रूट पी, अब रूट पी को यहाँ रहने दिया, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो जैसे इधर शिफ्ट करेंगे ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि पी और ये ए माइनस बी के वाली स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए बी, यानी कि टू ये ए की पूरी वैल्यू है ए अपॉन बी, और ये बी की वैल्यू है रूट क्यू। इसके बाद इस को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस वाली वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यू माइनस पी, इसका एलसीएम ले लेंगे बी स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जल्दी से लिख दिया है। अब यहाँ से रूट क्यू इक्वल टू इस वैल्यू को उधर शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि टू ए अपॉन बी था तो क्या बन जाएगा, बी अपॉन टू ए बन जाएगा, बी से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी इसकी, रूट क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर क्यू माइनस पी इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ से 2a और यहाँ पे b बचाए तो 2ab, a b जो अपने पास है वो क्या है, इंटीजर है, अगर a और b इंटीजर है तो ये जो वैल्यू है इधर राइट हैंड साइड वाली वो क्या होगी, अपने पास एक रेशनल नंबर होगी, तो देयरफॉर रूट क्यू इज रेशनल नंबर, रूट क्यू भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, बट रूट क्यू रेशनल नंबर नहीं है, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट है, सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, यानी जो अपन ने माना था वो क्या है, गलत है,
हैंस रूट पी प्लस रूट क्यू, यानी कि जो रूट पी प्लस रूट क्यू अपन ने स्टार्टिंग में माना था इज अ इरेशनल नंबर, जबकि अपन ने क्या माना था यहाँ पे उसको माना था यहाँ पे अपन ने रेशनल नंबर, ठीक है, जबकि वो क्या है इरेशनल नंबर है, हैंस प्रूव। तो ये प्रूव हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट होती है। आई होप दैट वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।